नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का विलेज कुकिंग चैनल में। सुबह के 6 बज चुके हैं और आ गए अपने खेत में। कल रात में हल्का हल्का बारिश हुआ है, पूरा मिट्टी जो खेत का है गीला है। और जो हमने पालक चौलाई और इधर देखिए हल्दी लगा था ना, अब सब धीरे देखिए उग रहा है। ये देखिए हल्दी बारिश का पानी पाता तभी उगता है, जितना देखिए पानी पाया उतना उगा है। बहुत सा देखिए मिट्टी भी खाली लग रहा है, अभी धीरे उग रहा है। और मिट्टी भी कल चढ़ा दिया गया है। और पालक देखिए जो बोए थे ना, हल्का हल्का देखिए हरा दिखने लगा। देखिए रहा, देखिए हर छोटे छोटे देखिए एकदम निकलने लगे हरे हरे, कितना खूबसूरत लग रहा दिखने में। सब देखिए पालक के पत्ते हैं, ये देखिए जगह जगह पे हरा। अभी इतने अच्छे से नहीं, कहीं कहीं पे दिख रहा है, जहाँ पे बीज अंकुरित हो जाते हैं तो वो जमने शुरू हो जाते हैं। तो 2 दिन से लगातार मिट्टी गीला, इसलिए देखिए अंकुरित हो गया बीज और निकलने लगा है। चलते हैं आगे, चलते हैं। हमारे खेत में देखिए जो सनई लगा हुआ है ना, इसका देखिए पूरा डाली कैसे लेटा हुआ है। और एक आध 2 दिन पहले जो बारिश हुआ था और बहुत तेज आंधी आया था, तो उसी में देखिए सब जो इसके पेड़ हैं सनई के, सब देखिए एकदम लोट गए हैं। बहुत सा सनई का पेड़ टूट भी गया है, बहुत तेज़ आंधी था, बहुत ज़बरदस्त था। इतना था कि जगह जगह पेड़ भी सब गिर चुके हैं। तो सनई देखिए इसका कली देखिए बनना शुरू हो गया और फूल भी लेना शुरू हो गया। बहुत जल्दी आप लोग को इसका सब्जी बना के शेयर करेंगे। तो अभी देखिए लेना शुरू हो गया धीरे धीरे। कितना खूबसूरत देखिए इसके पेड़ लग रहे हैं, पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इधर अपने मड़ई के पास आ गए हैं। ये देखिए इसका गावा बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ पे हमने जो कि अभी लकड़ी उकड़ी झमरा नहीं बनाया है चढ़ने के लिए, देखिए सुबह सुबह आया था, बना देते हैं। अभी मौसम भी थोड़ा सा देखिए ख़राब लग रहा है, काले काले बादल देखिए घेरे हुए आ रहे हैं। और नेट पे भी दिखाया है सुबह से बारिश, कम से कम 9 बजे बारिश दिखाया है और 7 बजे, 10 बजे, 11 बजे, देखते हैं बारिश होता है कि नहीं। और ये देखिए सेम है, कितना तेज़ी से देखिए फैल रहा है इसका। देखिए गावा ऊपर हमने थोड़ा चढ़ाया भी दिया है, और एक देखिए रहा नीचे लटका हुआ है, सूखे सूखे से चढ़ाए। उसमें देखिए फूल बत्तियाँ लेना शुरू हो गया धीरे। इधर भी देखिए हमारे खेत में हल्दी लगा हुआ है और मैंने देखिए सब पत्ते निकल रहे हैं इसके, हल्दी के जो पौधे हैं। और उधर देखिए मम्मी गोबर का खाद, देखिए जो गोबर होता है ना, उसको देखिए पूरे इसके पौधों पे छाप रही हैं। इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी हल्दी तैयार होता है, खाद बढ़िया मिलता तो हल्दी बहुत अच्छे से पड़ता है। देखिए देखिए मेरी को गोबर देखिए छाप दिए हैं, इसमें गोबर खाद बहुत ज़्यादा लगता है, तब जाके हल्दी बहुत अच्छे से होता है। ये देखिए खेत में आ गए हैं। और बैंगन के देखिए छोटे पौधे कुछ दिन पहले हम लोग लगाए थे, देखिए पकड़ लिया है, ये रहा। और सब देखिए सब गोल वाले बैंगन के पौधे हैं और सफ़ेद वाले। और टमाटर भी हमने लगाया है, देसी टमाटर, वो भी पकड़ लिया है। और देखिए अगल बगल जो घास है ना, इसको हटा दे रहे हैं। हल्का हल्का बारिश भी हो जा रहा है, तो बारिश का पानी इनको मिल रहा है पौधों को, तो अच्छे से देखिए हरे भरे हो गए हैं। और बारिश का जब पानी मिलता है पौधों को तो बहुत जल्दी पकड़ भी लेते हैं। और इसमें देखिए कितना सारा हरी मिर्च देखिए हुआ है, बहुत जल्दी देखिए मिर्च बड़े बड़े होने वाले हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी मिर्च के पौधे ले आएंगे, देसी वाले जो लंबे वाले होते हैं, वो खाने में बड़ा अच्छा लगता है। सुबह का जो कि सारा काम धाम हो गया है। और इधर देखिए चूल्हे की लिपाई पुताई भी हमने कर दी, चलते हैं खेत में। और सुबह के 7 बज रहे हैं और खेत से ताज़ा सब्जी तोड़ते हैं, तो चल रहे हैं खेत में। ऐसे हमारे खेत में बरसाती भिंडी लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा हो गया है, वही चल रहे हैं खेत में तोड़ने। भिंडी खेत में आ गए हैं और खूब सारा देखिए फूल लिया है और बतिया भी लिया है भिंडी का, और बहुत अच्छे से देखिए भिंडी भरा हुआ है। तो ये जो बरसाती भिंडी है ना, इसका आज हम बनाने वाले हैं मसाला वाला दही भिंडी की सब्ज़ी, जो खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है। तो देखिए खेत से ताज़ा भिंडी को तोड़ते हैं। ज़्यादा बड़ा भिंडी है मैंने चाहिए, मीडियम साइज़ की भिंडी चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे से बनते हैं। तो ये देखिए एक एक करके देखिए तोड़ते हैं। इसका फूल कितना खूबसूरत देखिए लग रहा है भिंडी का, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और साथ ही भिंडी जो कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हमेशा हम तोड़ते रहते हैं, और बहुत जल्दी जो कि तैयार भी जाता है। एक देखिए ये रहा। ऐसे तो हम भिंडी की सब्ज़ी कई तरीके से बनाते हैं, भुजिया सब्जी बनाते हैं, लेकिन जब हम बनाते हैं मसाले वाली दही वाली सब्जी इसकी ग्रेवीदार, तो बड़ा ही अच्छा लगता है खाने में। ये अपने गाँव के तरीके से बनाएंगे मसालेदार दही वाली सब्ज़ी,
पहले देखिए भिंडी को हम तोड़ लेते हैं खेत से। तो खेत से देखिए हमने बहुत सारा देखिए भिंडी ताज़ा निकल गया है, और चलते हैं अब खेत से बाहर निकलते हैं। किनारे पे देखिए बहुत सारा देखिए भिंडी छूटा हुआ है, इसको तोड़ लेते हैं। कितना भी हम खेत से ढूंढ के तोड़ते हैं लेकिन एक आध दो भिंडी देखिए छूट ही जाते हैं। खेत से देखिए भिंडी तोड़ने का अपने चूल्हे के पास आ गए हैं। दही भिंडी बनाने के लिए देखिए यहाँ पे हमें मीडियम साइज़ का भिंडी चाहिए। देखिए इस तरीके से हम थाली में छाट के रखते हैं। ऐसे देखिए खेत में काफ़ी बड़े बड़े भी भिंडी हो गए थे, इसका हम कुछ और बना लेंगे भिंडी की सब्जी अलग तरीके से। मीडियम साइज़ की जो भिंडी है इसको छाट के रखते हैं थाली में, और ये काफ़ी नरम भिंडी है। भिंडी को लेने के बाद देखिए नलके के पास आ गए, इसको साफ पानी से धो लेते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप छांव वाला मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। कई बार धुल लेते बढ़िया सा, ऐसे खेत का ताज़ा भिंडी, इसमें कोई भी खरपतवार या मिट्टी नहीं लगा, एकदम साफ भिंडी है। साफ पानी से और धुल लेते हैं। भिंडी को धोने के बाद देखिए इसका नोक हटा देते हैं दोनों तरफ से, और बीच से देखिए इस तरीके से चीरा लगा देते हैं कि जब हम ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं दही वाली ना डालकर, तो इसके अंदर तक ग्रेवी जब जाता है तो खाने में बड़ा अच्छा लगता है ये सब्जी जो है। और बरसाती भिंडी आपको बता दूँ कि इसमें कीड़े नहीं लगे रहते हैं, बहुत बढ़िया भिंडी जो कि देखिए ये होता है। आपको एक बार अंदर से भी खुल के दिखा देती है कितना बढ़िया एकदम नरम भिंडी है, इसके बीज भी कड़े नहीं हैं, बहुत नरम भिंडी है। इसी तरीके से एक चीरा लगाते हुए रखते जाएंगे और दोनों तरफ का नोक देखिए हटा देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा भिंडी है तो देखिए दो भाग कर लीजिए, और इसी तरीके से बीच में एक चीरा लगा दीजिए कि जो ग्रेवी में हम इसको डालें तो सारे मसाले और ग्रेवी इसके अंदर तक चला जाए और खाने में बड़ा अच्छा लगे। तो सारे भिंडी में देखिए इस तरीके से हमने बीच से एक चीरा लगा दिया है, और अब चल के इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे कढ़ाई में, तो इससे टेस्ट जो है भिंडी का बहुत अच्छा आएगा ग्रेवी में। अदरक और लहसुन का देखिए यहाँ पे कूट के पेस्ट बना लेते हैं। पहले सारी तैयारी कर लेते हैं, जो पीसने वाले चीज़ें सिलबट्टे पीस लेते हैं, उसके बाद एक ही साथ बनाना शुरू करेंगे। देखिए अच्छे से हमने कूट लिया है, और आज का मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धूप छांव वाला, और काले काले देखिए बादल भी आ रहे हैं, उस तरह बारिश हो, क्योंकि नेट पे दिखा रहा था सुबह 8 बजे 9 बजे बारिश। ये देखिए इसका पेस्ट हमने अच्छे से बना लिया दरदरा, थोड़ा सा इसको देखिए पीस लेते हैं हल्का, इसको देखिए कटोरी में रख लेते हैं। अब चलते हैं टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं पीस कर। ऐसे तो हमारे यहाँ मिक्सर जार है लेकिन सिलबट्टे पीस लेते हैं, लाइट भी नहीं है थोड़ा सा मौसम गड़बड़ लग रहा है। तो आधा घंटा पहले देखिए हमने 5 से 6 काजू लिए थे, इसको तोड़ के देखिए हमने भिगो दिया था अच्छे से, देखिए थोड़ा फूल गया है, और ग्रेवी में थोड़ा सा हम काजू भी डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब यहाँ पे देखिए हमने 3 से 4 देखिए पके हुए लाल टमाटर लिए हैं, इसको रखते हैं। काजू और टमाटर का देखिए यहाँ पर पीस कर पेस्ट बना लेते हैं, इससे ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनेगी। इधर हमने काजू और टमाटर का देखिए पीस कर पेस्ट बना लिया, इसको उठा लेते हैं कटोरी में। कढ़ाई हमने देखिए चूल्हे पर चढ़ा दिया, इसमें डाल लिया थोड़ा सा तेल, और पहले देखिए जो भिंडी को हमने काटा था ना, देखिए इसका पानी इस तरीके सूख गया है, इसको फ्राई कर लेते हैं, डालेंगे कढ़ाई में। इसको देखिए चलाते हैं, और देखिए भिंडी को चलाने का इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर थोड़ा सा कलर के लिए, आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें बेसन। तो बेसन डालते हैं ना थोड़ा सा देखिए कुरकुरा पाना आएगा और बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा और डाल दे रहे हैं, अच्छे तरीके से चलाते हैं, उसको फ्राई कर लेते हैं। जो हमने बेसन इसमें डाला है, मिर्च डाला है और हल्दी पाउडर, से अच्छे तरीके से भिंडी में कोट हो जाएंगे, और जब ये सब ग्रेवी में पड़ेंगे ना तो खाने में बड़ा टेस्टी लगेगा। अच्छे से देखिए हमने भिंडी को फ्राई कर लिया है, इसमें जो बेसन डालते हैं ना तो देखिए कड़ा पाना जाता है और ग्रेवी में बड़ा टेस्ट आता है। तो अच्छे तरीके से देखिए फ्राई हो गए हैं भिंडी, उसको देखिए निकाल लेते हैं, और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, जब ग्रेवी पड़ता है तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है।
भिंडी को फ्राई करने के बाद उसी कढ़ाई में हमने सरसों का तेल फिर से डाल दिया है। इसमें तड़का लगाते हैं, तेल अच्छे तरीके से गर्म हो गया, कच्चापन जो तेल का होता है वो निकल जाए तभी तड़का लगाए, तभी ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने हींग लिया, इसको डाल लेते हैं, और दो तेज़पत्ता लिया, इसको डाल लेते हैं। ये मार्केट का तेज़पत्ता, हमारे पेड़ का तेज़पत्ता नहीं है, इसको भी डाल लेते हैं। और ये देखिए दालचीनी का टुकड़ा डाल लेते हैं, और यहाँ पे देखिए एक मिर्च लिया था लाल सूखा, इसको तोड़ लिया, इसको डाल लेते हैं। और आधा चम्मच यहाँ पे जीरा लिया, इसको डालते हैं। ये सब चीज़ों का जब तड़का लगता है ना तो ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब इसमें डालेंगे देखिए 3 से 4 हमने प्याज देखिए बारीक काटा, इसको डालते हैं। फिर आते हुए प्याज को लाल कर लेते हैं, डालेंगे अदरक लहसुन का देखिए जो पेस्ट हमने पीसे सिलवट्टे बनाया था, इसको डाल लेते हैं। इसको चलाते हैं और बढ़िया तरीके से इसको प्याज को लाल कर लेंगे। तो प्याज देखिए हमें अच्छे तरीके से लाल हो गया, जो तड़का लगाया था अदरक लहसुन का पेस्ट सब अच्छे तरीके से लाल हो गया। इसमें डालेंगे टमाटर और काजू का पेस्ट जो हमने सिलवट्टे पीस के रखा हुआ था, इसको डालते हैं। इसको चलाते हैं, इसमें डालते हैं देखिए नमक स्वाद के अनुसार, और आधा चम्मच डालेंगे इसमें देखिए हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, और आधा चम्मच डालते हैं इसमें भुने जीरे का पाउडर। अच्छी तरीके से देखिए मिक्स करके मसाले को भून लेते हैं। मसाला डालने के बाद देखिए थोड़ा भुनेंगे, उसके बाद पास लेके इसमें पानी डालेंगे क्योंकि मसाले हमारे जले ना, तो देखिए हल्का सा पानी डाल लेते हैं और अच्छे तरीके से देखिए मसाले को पका लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने घर का दही जमाया हुआ है, और ये दही ज़्यादा खट्टा नहीं है। जब भी सब्जी को बनाए भिंडी दही मसाले वाली तो ज़्यादा दही खट्टा नहीं होना चाहिए। देखिए 3 चम्मच हम दही लेते हैं और अच्छे तरीके से देखिए इसको फेंट लेते हैं। सालों में से देखिए तेल ऊपर दिखने लगा है, और अच्छे तरीके से देखिए हमारा जो पेस्ट था टमाटर का एकदम गल चुका है और भी, और बढ़िया देखिए कितना बढ़िया देखिए ये पेस्ट बना है मसालों के साथ। और आप चाहे तो टमाटर बारीक काट के भी इसमें भून सकते हैं, क्योंकि जब दही भिंडी वाली सब्जी बनती है ना, बरसाती भिंडी वाली सब्जी है, वो भी दही मसालों के साथ, तो खाने में बहुत बढ़िया लगता है। इसका देख सकते हैं कितना बढ़िया देखिए मसाला भुना हुआ है, और जो दही देखिए हमने जो फेटा है अब इसको डालते हैं। और आज को हमने एकदम धीमा रख दिया है, तो देखिए चलाते जाएंगे और आज को एकदम धीमा किए हम कि हमारे जो दही फटे ना। तो दही को भी देखिए धीमी आंच पर हमने पका लिया है, और तेल देखिए ऊपर ऊपर दिखने लगा है। अच्छे तरीके से मसाला और दही भुना गया, इसमें डालेंगे अब भिंडी फ्राई किया हुआ, आधा चम्मच डालेंगे इसमें मीट मसाला, इससे टेस्ट सब्जी का बहुत अच्छा आएगा। जिसमें हमने टमाटर का पेस्ट डाला है और दही डाला है एकदम मैश करके, तो देखिए इससे ग्रेवी काफ़ी गाढ़ा बनता है। इसको देखिए मिक्स करते हुए हल्का सा इसमें पानी और डाल देते हैं। इस स्टेज पे आपको जैसी सब्जी खाना पसंद हो ज़्यादा पतला या गाढ़ा कर सकते हैं ग्रेवी के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए सब्जी काफ़ी गाढ़ी बनेगी, तो यहाँ पे देखिए डालेंगे आधा ग्लास पानी ग्रेवी के अनुसार। अब इसको अच्छे तरीके देखिए पका लेते हैं। थाली को ढककर देखिए हमने ग्रेवी को और पका लिया अच्छे से भिंडी के साथ। कितना बढ़िया देखिए हमारा ग्रेवी दिख रहा है, और अच्छे तरीके देखिए पक चुका है। इसको देखिए चलाते हैं और देखिए सब्जी कितनी गाढ़ी हो गई है पककर। देखिए अगर इस तरीके से बनाएंगे ना दही ग्रेवी वाली मसालों के साथ भिंडी वाली सब्जी ना, तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। कितना बढ़िया आप देख सकते हैं इसी ग्रेवी दिख रहा है। और रेस्टोरेंट में हम जाते हैं या ढाबे में जाते हैं तो इसी तरीके देखिए ग्रेवी बनाई जाती है, इसी तरीके से लोग देते हैं खाने के लिए, तो कितना बढ़िया लगता है खाने में। अब इसमें डालेंगे देखिए कसूरी मेथी थोड़ा सा क्रश करके, और इसको चला देते हैं। अब इसको देखिए बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए ग्रेवी के साथ देखिए एकदम लिपटा हुआ दही भिंडी की देखिए सब्जी कितना बढ़िया देखिए लग रहा है मसालों के साथ, बहुत खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ या फिर पराठों के साथ खाएंगे ना, तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये सब्जी ना। हर किसी को पसंद आता है, बच्चे बड़े सभी लोग इसको बड़ा प्रेम से खाते हैं। दही भिंडी जो सब्जी होती है अब बिल्कुल अलग तरीके से लगता है खाने में ये। तो खेतों के ताजे देखिए बरसाती दही वाली मसालों के साथ जो भिंडी सब्जी बनती है ना ग्रेवी के साथ, खाने में बहुत टेस्टी दोस्तों लगता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से कलर लग रहा है और कितना गाढ़ा ये सब्जी बना हुआ है। आप इसको चावल के साथ, पराठों के साथ या जीरा राइस के साथ किसी चीज़ के भी साथ खाएंगे ना, तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इस सब्जी को आप बना के फ्रिज में रख दीजिए, 1 से 2 दिन इसको खा सकते हैं। आप इसको बर्थडे पार्टी या छोटी मोटी जो पार्टियाँ होती हैं घर में, उसमें बना के आप खिला सकते हैं सभी को, और सभी लोग बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। नए वीडियो साथ मिलते हैं, धन्यवाद।